राधे राधे। आज है कार्तिक महीने की पूर्णिमा यानी कार्तिक के महीने का आखिरी दिन, तो हम जा रहे हैं दीपदान करने। आप सबके साथ भी मैंने शेयर किया था कि आज के दिन आप लोग दीपदान जरूर करना। तो बस आज शाम का समय है और मैंने यहाँ पर आटा गूंथ लिया है। आटे के दीपक ही आज मैं दान करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम नदी में दान करते हैं दीपक तो आटे के दीपक एकदम सही रहते हैं। अगर मिट्टी के दीपक दान करोगे तो वो भारी होने की वजह से नदी में जो है ना डूब जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आटे के दीपक ही हमेशा नदी में दान करती हूँ। थोड़ा सा कड़क सा आटा जो है ना मैंने यहाँ पर गूंथ लिया है और छोटे छोटे जो है ना लोइयां मैं इस तरह से बनाकर रख लूंगी। आप चाहे तो घर से भी दीपक तैयार करा के ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना वहीं जाकर दीपक बनाएंगे, क्योंकि बाइक से जाते हैं, बाइक हिलती डुलती है तो आटे के दीपक जो है ना मिटर जाते हैं। तो बस सारा सामान मैंने जल्दी जल्दी पैक किया और शाम को अचानक ही प्लान बना। वैसे मैं दीपदान तो करती ही करती पूर्णिमा के दिन, लेकिन तुलसी के ब्रश के नीचे कर देती, लेकिन पंडित जी ने फ्री थे तो उन्होंने कहा तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों चलते हैं दीपदान करने। और फिर मैं तो चाहती थी भी थी कि पूर्णिमा के दिन किसी नदी के किनारे मैं दीपदान कर लूं। घर में जैसे कपड़े पहने थे बस वही कपड़े मैंने पहने, केवल बालों को ठीक कर लिया है क्योंकि सुबह से आज मैंने चोटी नहीं की थी, तो बस मेरे बाल इस तरह से उलझे पड़े थे। अभी दो दिन पहले ही शादी से आई हूं तो बहुत ज्यादा जो है ना थकावट थी, तो फटाफट जो है ना मैंने अपने बाल एक से किए, 5 मिनट के अंदर जो है ना मैं रेडी हो गई और बस हमने सारा सामान समेटा। सामान क्या लेना था, एक माचिस लेनी थी दीप प्रज्वलित करने के लिए, तिली के तेल ले लिया है उसमें हमने बाती डुबो दी, और आटा ले लिया है। और हाँ, जब भी आप दीपक दान करें नदी में तो जो जिसमें मिठाइयाँ आती हैं उस तरह के कागज के जो डिब्बे होते हैं उनमें दान करें, ताकि दीपक जो है ना अच्छे से बह जाते हैं। तो बस हमने वो सारा सामान इकट्ठा किया और चलिए चलते हैं दीपदान करने। ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी लेकर चलूंगी दीपदान में किस तरह से करती हूँ। वैसे हमेशा बताती रहती हूँ, लेकिन आज फिर से एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहुंच गए हम नदी के किनारे और हमेशा इसी नदी पर हम लोग दीपदान करते हैं। काफी शांत यहाँ का वातावरण है, यहाँ पर आकर सच में बहुत अच्छा लगता है। तो धारा भी बहुत तेज है, दीपदान करने में बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए अपना जो सामान लेकर आए हैं वहीं पर बैठकर ये सारी सामग्री तैयार करेंगे और फिर करेंगे इस नदी में दीपदान। अगर नदी के में अगर आप इस तरह से दीपदान करते हैं तो इसका अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है, और कार्तिक का महीना तो है ही दीपदान के लिए। तो अगर आप अनंत गुना फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो कार्तिक के महीने में हर साल आप दीपदान जरूर करें। वैसे जब भी कभी देखिए आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं और वहां पर अगर नदी है तो आप दीपदान आप अवश्य करें, इसका अनंत गुना फल मिलता है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो वो भी जो है ना पूरी हो जाती है, अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ अगर दीपदान करते हैं। हमने यहाँ पर छोटे छोटे से दीपक बना लिए हैं। विचार था हमारा कि हम 21 दीपकों का दान करेंगे, तो बस वही सारे हमने तैयार कर लिए हैं। दीपकों के साथ एक कॉइन भी जो है ना दान किया जाता है, मतलब दक्षिणा रखी जाती है, तो हम इन दीपकों के साथ एक कॉइन भी रखेंगे। हवा इतनी ज़्यादा तेज चल रही थी कि दीपकों को जलाना जो है ना एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया था, लेकिन फाइनली हमने जला दिए। आधा घंटा हमें दीपक को जलाने में लगा, पंडित जी जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगे थे, लेकिन बस ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जो है ना परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका आए ना तो हताश मत होना, बस प्रयास करते रहना और दीपक प्रज्वलित हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ, मतलब इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि आज तो दीपक जलेंगे, बट जल गए, क्योंकि आज का मौसम जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा वाला मौसम था। और देखिए यहाँ पर पंडित जी दीपक जलाते हुए, कुछ उन्होंने जलाए कुछ मैंने जलाए, तो इस तरह से जो है ना हो गया काम हमारा। बहती हुई धारा में जो है ना इस तरह से किए जाते हैं दीपदान, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर धारा अगर बहुत ज्यादा तेज है और आप नदी के अंदर जाना नहीं चाहते तो आप नदी के किनारे पर भी जो है ना दीप रख सकते हैं, लेकिन हम जो है ना हमेशा बहती हुई धारा में दीपक दान करते हैं। जब ये दीपक इस धारा में बहते हैं ना तो इनको देख कर जो है ना बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, और ये जो एक फीलिंग है वो एकदम ही अलग है। तो मैं यहाँ पर आपको बहती हुई धारा में दीपक दिखा नहीं पाई क्योंकि धारा जो है ना बहुत
बहुत ज्यादा तेज थी। इसके बाद जो है ना मैंने दीपक प्रदान किए, पहले पंडित जी ने किए, उसके बाद मैंने अपने हाथों से किए। तो ये है हमारा वाला दीपदान का डिब्बा। तो इस तरह से अगर डिब्बे में दीपदान करोगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसके अंदर डाला हमने एक कॉइन, सभी दीपकों का हमने पूजन किया है, सभी के अंदर तिली डली हुई है। और बस चलिए चलते हैं, और आप लोग भी जो है ना इस दीपदान में हमारे साथ शामिल हो जाइए। भगवान करे आपकी भी हर मनोकामना पूरी हो, और दीपदान करने से सच में मन की इच्छा पूरी हो जाती है अगर आप तहे दिल से अगर दीपदान जो है ना करते हैं। तो इस तरह से जो है ना बस इस बहती हुई धारा में मैंने दीपकों को छोड़ दिया, और ये धारा के साथ जो है ना मेरे दीपक जो है ना जलते हुए आगे की ओर बढ़ गए। तो इस तरह से जो है ना दीपकों का दान किया जाता है। आज पूर्णिमा थी, आखिरी दिन था कार्तिक का महीने का, और ये वीडियो जस्ट हमने अभी बनाया है, और अभी ही जो है ना आप लोगों को तक ये वीडियो पहुंचा दूंगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है तो आप अभी जाइए और दीपदान शुरू कीजिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्तिक के महीने में अगर नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर सकते। आगे आने वाले महीनों में भी आप दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान आप कभी भी करें उसका फल जो है ना हमें उतना ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि दीपदान करने का फल जो है ना अत्यधिक माना गया है। इसीलिए दीपकों का दान हमें जरूर करना चाहिए। बस चलिए चलते हैं घर को, और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से दान पुनः आप करते जाइए, आपको इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये चीज़ें जो है ना दवाइयों की तरह काम करती हैं, धीरे धीरे करते रहिए, आपके ग्रह मजबूत हो जाते हैं और आपकी इच्छाएँ भी जो है ना पूरी होने लगती हैं। चलिए मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, और आज का मौसम जो है ना इतना बढ़िया था ना कि दीपक का दान करने में मजा आ गया। तो बहुत अच्छा वाला मौसम हो रखा है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।